बच्चों, आज हम इस वीडियो में तुलसीदास कृत दोहावली को पढ़ेंगे। दोहावली में तुलसीदास जी ने नीति विषयक दोहों को लिखा है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। हरो अर्थार्थ हरा भरा, चरही अर्थार्थ चरना। हरो चरही, जब वृक्ष हरे भरे होते हैं तो पशु से चरही अर्थार्थ चर जाते हैं। जब वृक्ष सूख जाते हैं, बरत अर्थार्थ जलाकर, ताप ही अर्थार्थ तापना। जब वृक्ष सूख जाते हैं तो लोग उसे जलाकर ताप ही ताप जाते हैं। फरे, जब उन पर फल लग जाते हैं। पसार ही फैलाना, हाथ अर्थार्थ हाथ। जब उन पर फल लग जाते हैं तो लोग हाथ फैलाकर उनसे फल ले लेते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए। जब वृक्ष हरे भरे होते हैं तो पशु से चर जाते हैं। जब वृक्ष सूख जाते हैं तो लोग उसे जलाकर ताप जाते हैं। जब उन पर फल लग जाते हैं तो लोग हाथ फैलाकर उनसे फल ले लेते हैं। तुलसी स्वारथ मित, तुलसीदास जी कहते हैं, स्वारथ, इस प्रकार संसार में सभी लोग अपना स्वारथ अर्थार्थ स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। मित सब परमार्थ, परमार्थ के मित्र तो, परमार्थ के मित्र तो रघुनाथ, बस प्रभु श्री राम ही हैं, जो सभी से निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। आगे चलिए बच्चों, दूसरे दोहे की ओर। मान अर्थार्थ सम्मान, राखिबो अर्थार्थ रक्षा करना। मान राखिबो, सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। मांगिबो अर्थार्थ मांगना, पीवसो अर्थार्थ प्रिय से। मांगिबो पीवसे, प्रिय से ही मांगना नित्य नौनेहु, और नित्य नौनेहु नेह अर्थार्थ प्रेम। प्रिय से मांगना और नित्य प्रेम को बढ़ाना चाहिए। फिर समझ लीजिए, सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, प्रिय से मांगना और नित्य प्रेम को बढ़ाना चाहिए। तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं, तीनों, यह तीनों बातें तब फबे, तभी फबें शोभा देती है। तुलसीदास जी कहते हैं, यह तीनों बातें तभी शोभा देती है। जौ चातक मत लेहु, जब चातक मत, चातक का मत अर्थात सिद्धांत को लेहु स्वीकार किया जाए। जैसे चातक बादल से ही प्रेम करता है और स्वाति नक्षत्र के बूंद को ही पीता है, और उस बूंद को प्राप्त करने के लिए नित्य बादलों से प्रेम को बढ़ाता है। अब आगे चलिए बच्चों, तीसरा दोहा ध्यान दीजिएगा। नहीं जाचत, नहीं अर्थार्थ नहीं, जाचत अर्थार्थ याचना करना या मांगना। नहीं जाचत, चातक किसी से मांगता नहीं है। नहीं संग्रही, संग्रही अर्थार्थ संग्रहित करना या इकट्ठा करना। न ही चातक किसी के दिए हुए को इकट्ठा करता है। फिर समझ लीजिए, नहीं जाचत चातक किसी से मांगता नहीं है। नहीं संग्रही, न ही किसी के दिए हुए को इकट्ठा करता है। शीश नाही नहीं ले, न ही शीश नाही, सर झुकाकर ले किसी से लेता है। न ही कभी सिर झुकाकर किसी से लेता है। ऐसी मानी, ऐसे स्वाभिमानी, मांगने ही अर्थार्थ मांगने वाले चातक को, ऐसी मानी मांगने ही, ऐसे स्वाभिमानी चातक को बारद बिन बादल के सिवा को दे कौन दे सकता है। ऐसे स्वाभिमानी चातक को बादल के बिना कौन दे सकता है। तुलसीदास जी इस अनुक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि स्वाभिमानी भक्त को परमात्मा के अतिरिक्त
और कौन दे सकता है। आगे चलिए बच्चों, चरण अर्थात चरण, चोच अर्थात चोंच, लोचन अर्थात नेत्र, रंगो अर्थात रंगना। यदि बकुला अपने चरण चोच और नेत्रों को रंग ले, यदि बकुला अपने चरण चोच और नेत्रों को रंग ले, चलो मराली चाल, मराली चाल अर्थात हंस जैसी चाल, और हंस जैसी चाल में चलने लगे। फिर समझ लीजिए, यदि बकुला अपने चरण चोच और नेत्रों को रंग ले और हंस जैसी चाल भी चले, तो भी वह हंस नहीं हो सकता, नहीं बन सकता, क्योंकि क्षीर नीर दूध और जल के विवरण समय, क्योंकि दूध और जल के विवरण निर्णय करते समय बक उग्रते ही काल, क्योंकि दूध और जल के निर्णय करते समय बक उसका बकुला होना उग्रत प्रकट हो जाएगा। अर्थात यदि दुष्ट व्यक्ति सज्जनों जैसी वेशभूषा धारण कर ले, तो भी वह सज्जन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर कभी सज्जनों वाली गुण नहीं आ सकती। आगे चलिए बच्चों, आपहु आपू कह सब भलो। तुलसीदास जी कहते हैं आपू आपू कह कि अपने के लिए तो सब भलो, सभी भले होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनों के लिए तो सब भले होते हैं, अपने कह कोई कोई, और अपने के लिए ही सभी भलाई के कार्य करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने लिए तो सभी लोग भले होते हैं और अपनों के लिए सभी भलाई के कार्य करते हैं। तुलसी सब कह जो भले, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भले, जो सभी का भलाई करता है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सभी के लिए भलाई का कार्य करता है, सुजन वह सज्जनों द्वारा सराहिए सराहा जाता है, उसकी सज्जनों द्वारा सराहना की जाती है। एक बार फिर समझ लीजिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सभी के लिए भलाई का कार्य करता है, वह सज्जनों द्वारा सराहा जाता है। छठा दोहा ध्यान दीजिएगा, ग्रह भेषज अर्थार्थ औषधि, जल पवन पट अर्थार्थ वायु। तुलसीदास जी कहते हैं यदि ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र पाई कुजोग अच्छी संगति पाते हैं सुजोग, तो अच्छे बन जाते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, तुलसीदास जी कहते हैं यदि ग्रह औषधि जल पवन और वस्त्र अच्छी संगति पाते हैं तो अच्छे बन जाते हैं। होई कुवस्तु यदि बुरी संगति पाते हैं सुवस्तु तो बुरे बन जाते हैं। लखी सुलक्षण लोग इस बात को लखी अर्थात जान पाना, सुलक्षण 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 विशेष लक्षण वाले लोग ही जान पाते हैं इस बात को। संसार में सुलक्षण लोग लखी विशेष लक्षण वाले लोग ही लखी जान पाते हैं या समझ पाते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए व्याख्या व्याख्या पूरा। तुलसीदास जी कहते हैं यदि ग्रह औषधि जल पवन और वस्त्र अच्छी संगति पाते हैं तो अच्छे बन जाते हैं, और बुरी संगति पाते हैं तो बुरे बन जाते हैं। इस बात को जग अर्थात संसार में सुलक्षण लोग लक्ष्य ही विशेष लक्षण वाले लोग ही जान पाते हैं। हो गया छठा बच्चों। सातवां दोहा देखिए, जो सुनी समझी अनीति रत। तुलसीदास जी कहते हैं जो सुनी समझी, जो अच्छे मार्गों के बारे में सुनी समझी, सुनकर और जानकर, तुलसीदास जी कहते हैं जो व्यक्ति
अच्छे मार्गों के विषय में सुनकर और जानकर अनितिरत जानकर भी अनीति के कार्यों में लगा रहता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे मार्गों के विषय में सुनकर और जानकर भी अनीति के कार्यों में लगा रहता है, जागत रहे जो सोई, जो जागते हुए भी सोई अर्थार्थ सोता रहता है, उपदेशु जगाई वो उसे उपदेश देकर जगाना उचित न होए, उचित नहीं रहता है, उचित नहीं होता। फिर से एक बार समझ लीजिए, तुलसीदास जी कहते हैं जो व्यक्ति अच्छे मार्गों के विषय में सदमार्ग के विषय में सुनकर और जानकर भी अनीति के कार्यों में लगा रहता है, जो जागते हुए भी सोता रहता है, उसे उपदेश देकर जगाना उचित नहीं होता। आगे चलिए बच्चों, आठवां दोहा ध्यान दीजिएगा। बरसत हर्षत लोग सब करसत लखे न कोई। तो आगे इधर का देखिएगा, करसत अर्थार्थ ग्रहण करना, लखे अर्थार्थ देखना, कोई अर्थार्थ कोई। तुलसीदास जी कहते हैं जब सूर्य पृथ्वी से जल को करसत ग्रहण करता है, लखे न कोई, तो कोई देख नहीं पाता है। तुलसीदास जी कहते हैं जब सूर्य पृथ्वी से जल को करसत अर्थार्थ ग्रहण करता है, लखे न कोई, तो उसे कोई देख नहीं पाता है। बरसत और जब वही सूर्य जल को बरसा देता है, हर्षत लोग सब, तो सभी लोग हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी प्रजा सुभागते भू भानु सोई। तुलसीदास जी कहते हैं भूप भानु सो, ऐसा सूर्य के समान, भानु सो अर्थार्थ सूर्य के समान न्यायपूर्ण भूप अर्थार्थ राजा, प्रजा राजा किसी देश की प्रजा को सुभागत बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। फिर समझ लीजिए, जब सूर्य पृथ्वी से जल को खींचता है, लखे न कोई, तो उसे कोई देख नहीं पाता है। बरसत जब सूर्य जल को बरसाता है, हर्षत लोग सब, तो सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी तुलसीदास जी कहते हैं भूप भानु सो, ऐसा सूर्य के समान न्यायपूर्ण राजा प्रजा किसी देश की प्रजा को सुभागते बड़े सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। आगे चलिए ध्यान दीजिएगा, मंत्री गुरु अरु और वैद्य। वैद्य जो प्रिय बोलें, यदि प्रिय बोलेंगे भयास भय के कारण। तुलसीदास जी कहते हैं यदि मंत्री गुरु और वैद्य भय के कारण प्रिय वचन बोलेंगे अर्थात हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो मंत्री के कारण राज्य और गुरु के कारण धर्म और वैद्य के कारण तन अर्थात शरीर तीनी कर तीनों का होई बेघी नाश, बेघी शीघ्र ही नाश विनाश हो जाएगा। एक बार पुनः समझ लीजिए, तुलसीदास जी कहते हैं यदि मंत्री गुरु और वैद्य भय के कारण प्रिय वचन बोलेंगे अर्थात हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो मंत्री के कारण राज्य, गुरु के कारण धर्म और वैद्य के कारण शरीर तीनों का शीघ्र नाश हो जाएगा। दशा दोहा देखिए, दसवां। अब तुलसी पावस के समय, तुलसीदास जी कहते हैं पावस के समय, पावस अर्थात वर्षा काल के समय, धरी कोकिलन मौन, कोयल मौन धरी, मौन धारण कर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा काल के समय कोयल मौन धारण कर लेते हैं। अब तो दादुर बोली हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है, अब तो दादुर बोली हैं, अब तो दादुर अर्थार्थ मेढक ही बोली हैं बोलेंगे, हमें पूछी हैं कौन, हमें यहाँ
कौन पूछेगा। समझ गए होंगे बच्चों, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।